गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संदीप कुमार आज आप लोगों को क्लास थ्री का SST पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों को कुछ राइट डाउन करना है, जो आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे। आप लोग सबसे पहले कॉपी पेंसिल निकाल लें ताकि आप इसको राइट डाउन कर सकें। यदि आप इसको राइट डाउन कर लेंगे तो आगे आपको चैप्टर में काफ़ी हेल्प मिलेगा और चैप्टर को आप फ्रेंडली समझ पाएंगे। देखिए एट फर्स्ट सबसे पहले कुछ इसमें कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इन कीवर्ड्स को आप राइट डाउन करेंगे। देखिए सबसे पहला कीवर्ड है फैमिली। हम लोग का बच्चों हम लोग का चैप्टर जो है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर क्या है, माई फैमिली। आप यहाँ पे देखिए दिस इज द चैप्टर नेम माई फैमिली। आपका SST का जो बुक है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है माई फैमिली। तो माई फैमिली का सबसे पहला वर्ड है हम लोग का फैमिली। फैमिली मीन्स क्या होता है, इसका हिंदी इधर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं परिवार। फैमिली का हिंदी क्या होता है बच्चों, परिवार। नेक्स्ट है हम लोग का ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली मीन्स संयुक्त परिवार। संयुक्त मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ, कंबाइंड। वैसा फैमिली जिसमें आपके साथ आपके दादा दादी अंकल सभी साथ में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली। इसको हिंदी में संयुक्त परिवार कहते हैं, यानी जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में एकल परिवार, यानी ऐसा परिवार जिसमें आप और आपके भाई बहन के अलावा मम्मी पापा बस, अदर कोई नहीं रहते हैं, दादा दादी नहीं होते हैं, उनमें अंकल आंटी नहीं होती है, वो न्यूक्लियर फैमिली कहलाता है। नेक्स्ट ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर में फादर मीन्स आप लोग जानते होंगे, फादर मीन्स क्या होता है, पापा। लेकिन यदि उसमें ग्रैंड लग गया तो ग्रैंडफादर मीन्स क्या हो जाता है, दादाजी। दादाजी किसे कहते हैं, आपके जो पापा जी हैं उनके पापा जी को दादाजी कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर मीन्स दादी जी। नेक्स्ट है हमारा ट्विंस। ट्विंस मीन्स क्या होता है, आपने कभी कभी सुना होगा दो बच्चे का जन्म एक साथ होता है, तो वैसे भाई बहन को क्या कहते हैं, ट्विंस कहते हैं, यानी कि जुड़वा, जुड़वा भाई जुड़वा बहन ऐसा होता है, उसे हम लोग ट्विंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मीन्स सहोदर। सहोदर मीन्स अपना भाई बहन। जैसे आप लोग अपने आसपास देखते होंगे आपके मामा के लड़के होंगे, वो भी भाई होते हैं, लेकिन नहीं, जो अपना भाई बहन होता है उसे हम लोग सिबलिंग्स कहते हैं। इस पूरे कीवर्ड्स को आप लोग राइट डाउन करेंगे। इस कीवर्ड्स को राइट डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, इस टॉपिक को भी आप राइट डाउन कर लेंगे। ये हम लोग इस चैप्टर के में इतना टोटल 5 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन, सेकेंड टॉपिक है रिलेशनशिप, थर्ड टॉपिक है फैमिली ट्री, और फोर्थ टॉपिक है रिजेंबल्स, फिफ्थ टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक है हमारा ग्रोइंग। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है बच्चों इंट्रोडक्शन, यानी हम लोग जो ये चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। इस चैप्टर से हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे ताकि हमें आगे समझने में सुविधा हो। हम किसी से भी मिलते हैं तो फर्स्ट टाइम हमारे क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। इसी तरह से आप लोगों को भी इस चैप्टर के साथ अभी हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे ताकि आपको समझने में मदद मिलेगी। हमारा फर्स्ट है देखिए इंट्रोडक्शन में कि फैमिली होता क्या है। आप लोगों ने फैमिली के बारे में यहाँ समझा कि फैमिली मीन्स क्या होता है, परिवार। लेकिन क्या आपको पता है कि परिवार किसे कहते हैं, फैमिली क्या होता है, व्हाट इज द फैमिली। देखिए ऐसा लोगों का समूह जिसमें आप, आपके मम्मी पापा भाई बहन, ये सभी लोग जब इकट्ठे रहते हैं, ये सभी लोग क्या है, जब एक साथ मिलकर रहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फैमिली। तो ये हमारा क्या हो गया, ये है फैमिली, ये हमारा पूरा एक फैमिली बन गया। तो इसी फैमिली में हम लोग आगे अब आपको बताएंगे कि क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोड्यूस। वो हम लोग हो चुके हैं चैप्टर के साथ, हम लोग ये समझ चुके हैं कि फैमिली क्या होता है। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि फैमिली तो होता है लेकिन फैमिली में बहुत सारे रिलेशनशिप भी होते हैं, तो वो रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, रिश्ता, जो आपका आपके माँ के साथ होता है, आपका आपके भाई के साथ होता है,
आपकी बहन के साथ होता है, आप किसी को भाई बोलते हैं, किसी को भैया बोलते हैं यदि बड़े हैं तो, छोटे हैं तो नाम लेकर कॉल करते हैं, आप अपनी मम्मी को मम्मी बोलते हैं, पापा को पापा कहते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा एक रिलेशनशिप होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे है आप, आपके पिता हैं, फिर आपकी मम्मी होती है, आपके भैया होते हैं, आपके दीदी होते हैं, ये सब क्या कहलाता है, इंट्रो। देखिए हम लोग का नेक्स्ट जो है वो है टॉपिक फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में क्या होता है कि पूरा वंशावली, यानी हम लोग के फैमिली में जो लोग रहते हैं वो कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, नीचे के जनरेशन कैसे बढ़ते हैं और सबसे ऊपर के जनरेशन को क्या कहते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस भी पढ़ा कि एक ज्वाइंट फैमिली होता है और एक न्यूक्लियर फैमिली होता है, तो लेकिन अब इसमें हम लोगों को ये सीखना है कि फैमिली का जनरेशन कैसे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट है इस फैमिली ट्री का अपर पार्ट, इसमें हमारे कौन है, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मीन दादाजी, मैंने आपको पहले भी बताया इधर कीवर्ड्स में कि ग्रैंडफादर मीन दादाजी। तो ये आपके दादाजी हुए, ये दादी जी, दादाजी दादी जी के बाद दादाजी दादी जी के दो बच्चे। फिर यहाँ पे देखिए अंकल हैं और आपके डैड हैं और फादर, इधर अंकल और आंटी हैं, तो एक ये हुआ अंकल आंटी। फिर इधर हो गया मॉम डैड। उसके बाद नेक्स्ट जो अंकल के बच्चे होते हैं वो कौन होते हैं, आपके कजन्स, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, तो इनके बच्चे हो गए कजन। उसके बाद आप हो गए मॉम डैड से, आप या फिर आपके भाई और बहन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का बच्चों रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस क्या होता है, सादृश्य होना, यानी कई बार क्या होता है आप कहीं बाहर जाते हैं या आप कहीं मम्मी पापा के साथ जाते हैं तो आपको लोग देख करके कहते हैं अच्छा अच्छा तुम्हारा फेस कैसा लगता है, तुम्हारी मम्मी की तरह दिखता है, तुम्हारी आँखें कैसी है, मम्मी की तरह है। कई बार लोग कहते हैं तुम्हारी आँखें पापा की तरह दिखती है, तुम पापा की तरह दिखते हो, ओ तुम्हारी लंबाई कैसे बढ़ रही है, अच्छा दादाजी की तरह है। तो ये सब क्या कहलाता है, रिजेम्बलेंस कहलाता है। तो हम लोग इसको, इससे जुड़ा हुआ आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन भी है जो बुक में मेंशन किया हुआ, आप उसको देखकर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट एक क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे योर आईज लुक लाइक योर क्वेश्चन, देखिए योर आईज लुक लाइक योर, यानी कि आपकी आंखें जो हैं वो कैसी दिखती हैं। तो यहाँ पे आप किसी से पूछकर, अपने दादाजी से, दादी जी से, किसी दूसरे लोग से पूछकर आप देखेंगे कि आंखों को हम लोग खुद देख नहीं सकते, या फिर आप आईना में देख भी सकते हैं और देखकर इसमें फिलअप करेंगे कि आपकी आंखें कैसी दिखती हैं, मम्मी की तरह या पापा की तरह। आपका बुक का जो पेज नंबर 7 है उस पे कुछ इस तरह का क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप उसको करने का खुद कोशिश करेंगे। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ग्रोइंग ओल्ड। हम लोगों ने पूरे रिलेशनशिप को देखा, हम लोगों ने अपने आप को देखा, अपने भाई बहन सभी के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी, हम लोगों ने रिश्ते को समझा कि क्या मम्मी कौन, पापा कौन, फैमिली क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, सभी चीज़ों को हम लोग समझ गए। अब इसके बाद जो सबसे लास्ट होता है, यानी इस पृथ्वी पर जितने भी लोगों का जन्म होता है एक न एक दिन उनका मृत्यु होता है, उनका धीरे धीरे कर्मागत विकास होता है। सबसे पहले आपने देखा होगा अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन को, या फिर और भी घर के आसपास आपने किसी छोटे बच्चों को देखा होगा कि कैसे जब छोटे बच्चों का जन्म होता है तो बच्चा कैसा रहता है, काफ़ी छोटा रहता है। कभी कभी आपने किसी बच्चे को गोद भी लिया होगा तो वो इतना छोटा रहता है कि गोद में आ जाता है, फिर धीरे 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 वो बड़े हो जाते हैं। आप भी देखा, आपने अपने आप को भी देखा होगा, आप कैसे सबसे पहले नर्सरी में पढ़ते थे तो काफ़ी छोटे थे, फिर आप 1 में आए थोड़ा बड़े हुए, फिर 2 में आए बड़े हुए, और अब 3 में हैं। आप स्कूल आते हैं तो आप 7, 8 में पढ़ने वाले भैया दीदी को देखिए, वो लोग आपसे कितने बड़े हैं। तो इस तरह से होता है, ये है ग्रोइंग ओल्ड। तो हम लोग क्या इसमें सीखेंगे, कैसे हम लोग बड़े होते हैं, स्टार्ट टू एंड, यानी हमारा लाइफ जब समाप्त होता है, एंड होता है, उस समय तक हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले जिस बच्चे का जन्म होता है वो 6 महीने तक का जो काफ़ी छोटा बच्चा होता है
वो क्या कहलाता है, वो इन्फैंसी स्टेज कहलाता है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ इन्फैंसी स्टेज उसको बोलते हैं। उसके बाद जब वो 6 महीने से ऊपर हो जाता है, बड़ा हो जाता है थोड़ा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं। जैसे अभी आप लोग क्या हो, अभी आप लोग चाइल्ड हो, चिल्ड्रेन हो, बच्चे हो, ठीक है। 12 वर्ष तक आप लोगों की जो अवस्था है वो बच्चों की रहेगी, यानी आप लोग 6-7 तक बच्चे रहेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, टीनएजर्स, यहाँ से निकलने के बाद जब आपका बचपन समाप्त हो जाएगा फिर आप टीन ग्रुप में जाएंगे, टीनएजर्स होंगे। उसके बाद फिर टीनएजर्स के बाद हम लोग क्या होते हैं, यंग होते हैं। जैसे हम लोग अभी क्या है, हम लोग यंग हैं, और आपने हेड सर को देखा होगा वो क्या है, वो ओल्ड हैं। तो सबसे एंड में क्या होता है, हम लोग ओल्ड होते हैं और यहाँ पे आकर के हम लोग का लाइफ एंड हो जाता है। तो उन्होंने अभी सीखा बच्चों ही ग्रोइंग ओल्ड, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट आप लोगों का जो ये चैप्टर है, जो माई फैमिली चैप्टर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, इस चैप्टर को आप वीडियो देखने के बाद एक दो बार खुद भी रिवीजन करेंगे। आप कम से कम इस चैप्टर को 2 बार पढ़िए, ठीक है। आपको जो प्रॉब्लम होता है उसे आप कॉपी में लिस्ट करके रखें, फिर जब हम लोग स्कूल में असेंबल होंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। आपका देखिए ये पेज नंबर 6 है, यहाँ पे माई फैमिली है, यहाँ पे दिया हुआ है सारा चीज़ को आप स्टडी करें। इसके बाद रिजेंबलेंस में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है पेज नंबर 7 पे एग्जांपल में, आप इसको भी करने की कोशिश करेंगे, पूरा इस क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे। उसके बाद इस चैप्टर के एंड में कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप लोग पूरा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वीडियो देख लेंगे तो इस चैप्टर को बनाने की कोशिश करेंगे, इसका एक्सरसाइज जो है। उसके बाद कुछ समरी है, इस समरी को भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू।